यहाँ नवचर का भी आकाश मार्ग से पहुंचना असंभव है। परंतु महाराज विभीषण जी, मेघनाथ को रोकने के लिए हमारा वहां पर पहुंचना अति आवश्यक है। उसका कोई तो उपाय होगा। हाँ हनुमान, एक गुप्त मार्ग अवश्य ज्ञात है मुझे। तब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, यथाशीघ्र प्रस्थान कर उसके यज्ञ के पूर्ण होने से पूर्व ही उस दुष्ट मेघनाद का वध कर देना चाहिए। अब यही एक अवसर है यहां से भागने का। दुष्ट भागने की चेष्टा कर रहा है, अभी बताता हूं। तुमने बहुत अच्छा किया हनुमान, अन्यथा मेघनाद की वध करने की हमारी योजना से ये रावण को अवगत करा देता। प्रभु, मेघनाद के यज्ञ में व्यवधान डालना तो संभव है, किंतु उसका वध असंभव है। उसे प्रभु ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि उसका वध ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसने 14 वर्षों की दीर्घ अवधि में एक भी क्षण निद्रापान ना किया हो और ना ही भोजन का एक निवाला भी ग्रहण किया हो। प्रभु, क्या आपकी वानर और वृक्ष सेना में ऐसा कोई योद्धा है? चौदह वर्ष? वानर योद्धा तो 14 घड़ी के लिए भी भोजन नहीं त्याग सकते। सुषेण जी, एकमात्र हनुमान ही ऐसे हैं जो प्रभु की सेवा में लीन रहने की अवधि में जो निद्रा और भोजन दोनों का परित्याग करते हैं। परंतु वो पर्याप्त कहां? हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जिन्होंने 14 वर्षों तक एक तपस्वी के समान अपना जीवन व्यतीत किया हो। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। लक्ष्मण है वो तपस्वी हनुमान। लक्ष्मण जी, तन मन धन से मेरी सेवा में लीन लक्ष्मण है वो परम तपस्वी जिन्होंने मेरे लिए 14 वर्षों से अपने समस्त सुखों का बलिदान किया है। नेत्रों में निद्रा भूल चुके हैं, भोजन का एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं लिया है। अद्भुत है लक्ष्मण जी, भोजन को कभी क्या क्या किया है इन्होंने, महान है लक्ष्मण जी। धन्य है आप लक्ष्मण भैया, धन्य है आपकी भक्ति। प्रभु सेवा में यदि मैं आपका तनिक भी अनुकरण कर सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हनुमान, तुमने भी सदैव अपने हितों की चिंता किए बिना ही मेरी सेवा की है, इसलिए ये कार्य
मैं लक्ष्मण और तुम्हें सौंपता हूं। आप दोनों महाराज विभीषण के साथ जाकर मेघनाथ का वध कीजिए। इस आक्रमण में इन तीनों महायोद्धाओं के सिवाय प्रत्यक्ष रूप से हमारी सेना भाग नहीं लेगी, क्योंकि जो युद्ध के मर्यादाओं और नियमों को भंग करने के अभ्यस्त हैं, उनके प्रति उत्तर में ये हमारा उन पर गुप्त प्रहार होगा। महाराज सुग्रीव, अधर्मियों को अधर्म करने से रोकने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ऐसी अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें ऐसे उपाय अनिवार्य हैं। प्रभु, सूर्यास्त हो रहा है, अब मेघनाथ के जीवन का सूर्यास्त करने के लिए हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए प्रभु। भैया, आपका आशीर्वाद साथ है तो अब हम सब मेघनाथ के वध का सुखद समाचार लेकर ही लौटेंगे। जाओ लक्ष्मण और सफल होकर लौट। वनर जय जयकार क्यों कर रहे हैं? वनर कहाँ है वो गुप्तचर जिसे मैंने वहां की सभी गुप्त सूचनाएं ज्ञात करने के लिए नियुक्त किया था?